guy from Gaming with Ali. Assalamu alaikum, this is guy from Gaming with Ali. Welcome back with another gameplay of Real Cricket 2020. और आज है जी PSL का अगला मैच, PSL 5 का अगला मैच है जी, जो लाहौर टाइम्स और पिशावर यंगस्टर्स के बीच में जो क्वालिफायर है फर्स्ट क्वार्टर में। कल एलिमिनेटर था, जो मैंने सुबह वीडियो बनाई थी वो एलिमिनेटर था, सॉरी कल बोल रहा हूँ वो एलिमिनेटर था। और अब है जी क्वालिफायर, जो हारी वो निकल जाएगी, जो जीत गई वो फाइनल में। अब मैं ले रहा हूँ लाहौर साइंस और साथ हमारा ओपोनेंट है पिशावर यंगस्टर्स, हालांकि और इसमें कोई पाकिस्तानी नहीं है, स्टेडियम तो हम नहीं रख पाएंगे, तो दुबई के ग्राउंड में मैच होगा। हम अपनी ज़रा कर लेते हैं लाइनअप सही, बैटिंग लाइनअप फखर जमान और वेजल्स आएंगे ओपनिंग पे, हारिस वेर, एबी डिविलियर्स, कोरी एंडरसन, हफीज़ है, शुएब अख्तर बोल रहा था मैं, एंटन डिविच को रख लेता हूँ वेसल्स की जगह और इनको ऊपर कर देता हूँ, सोहेल ऊपर आएंगे, नहीं डिविलियर्स से नीचे सोहेल अख्तर, फिर कोरी एंडरसन, रमेश ने, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि और कौन से, और डेविड वीज़ा, मैं चाह रहा हूँ कि डेविड वीज़ा को रख लूँ, बस यही टीम सही है। एक मिनट, मुझे एक दो चेंजेस और करने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक बॉलर अच्छा सा रख लूँ, लेकिन बॉलर को लेमिशने हैं, राहत अली को नहीं मैं रखना चाह रहा, तो बस यही हम इसी लाइनअप के साथ जा रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपकी आप आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो लाहौर क्लेंदर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि इस बार कि फाइनल में भी वो जाए। आज एक मिनट गाइस, मुझे वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज फिर एड्स होते रहेंगे। मैंने कर तो दिया है, अब ऐड नहीं आ जाएगा सही वाला, जो कल बार बार ऐड आई जा रहे थे। बस अब मैं स्टार्ट होने वाला है। फखर जमान, एंटन डेविड, मोहम्मद हफीज, एबी डिविलियर्स, सोहेल अख्तर, हारिस सोहेल, कोरी एंडरसन, ये इनका नाम मुझसे थोड़ा सा प्रोनाउंस गलत हो रहा है, तो पहला ओवर मैं करवा रहा हूँ शाहीन शाफरीदी से। पाकिस्तान के भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं शाहीन शाफरीदी और इमामुल हक और कामरान अकमल आए हैं ओपनिंग के लिए। अब देखते हैं क्या ये कितना स्कोर मार पाते हैं। पहली बैटिंग है पेशावर जलमी की, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये पहली बॉल में आउट की अपील तो की है, लेकिन देखते हैं क्या आउट होता है या नहीं। मैं अपील के लिए जाऊँ या ना जाऊँ जल्दी समझाए, और मैं ये अपील के लिए जा रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आउट हो। और अब मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी सी देर बाद, अब आप सुने कमेंट भी गेम की, या फिर बताएं मैं खुद कमेंट भी करूँ या गेम की कमेंट्री सुनेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मैं अपनी कमेंट्री डालूँ या गेम की कमेंट्री सुनना पसंद करेंगे आप। और एज मुझे लगा, एज लगा है तो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन रिव्यू तो लॉस्ट हो गया है, कोई बात नहीं फिर से रिव्यू मिल जाएगा। सिंगल रन आता हुआ दूसरी बॉल पे, इमामुल हक आते हुए बैटिंग करने। अब देखते हैं क्या ये शॉट्स के लिए जाते हैं, और ये पहली बॉल खेली और ये शॉट मार तो दिया है, और ये देखते हैं सिंगल आता है, और ये डबल रन, डबल ले चुके हैं। स्ट्रेट बॉल कराऊंगा, जो पीछे आवाज आ रही है उसके लिए सॉरी, उसको इग्नोर करें। और ये एक ब्रॉड बॉल, बहुत शानदार बॉलिंग शाहीन शाफरीदी, ठीक है ना, जो पीछे आवाज आ रही है उसको ले सॉरी।
और अब देखते हैं। और ये कोई भी स्कोर ना कर पाए। गाइस और सॉरी गाइस, मैं कर तो नेट बंद तो कर दिया था, फिर भी ऐड जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसका तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुका हूँ ऐड से। मेरी मुझे लग रहा है वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाए बस। और अब कोरे एंडरसन से बॉलिंग करवा रहा हूँ, कमर आने की मैंने पहली बॉल पर बहुत शानदार जोगा मार दिया। देखते हैं क्या कोरे एंडरसन इस ओवर में विकेट ले पाएंगे या नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं फील्डिंग चेंज कर लूँ, लेग साइड पे एक फील्डर, और अब मैं साइड चेंज कर रहा हूँ। और इस बार मैं पहले ही बंद कर दूंगा वीडियो, पॉज कर दूंगा, नहीं तो फिर से आ जाएगा एड। और ये डबल रन आते हुए, और जो पीछे वाले आ रही उनके एक रोल करे उसका नहीं कुछ हो सकता बाबू। और एक काफी शानदार बॉल कोरे एंडरसन, और ये एक और शानदार बॉल कामरान अकमल, खेल नहीं पाए। और ये एक और शानदार बॉल डॉट बॉल, काफी अच्छी बॉलिंग आ रही है कोरे एंडरसन। मुझे लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं पीछे, क्या करूं अब मैं भी। और ये विकेट लेने के बहुत पास थे लेकिन फिर भी नहीं ले पाए, ओ नो। और इस बार ऐड भी नहीं आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार मैं लेग ब्रेकर लेमी चेने से बॉलिंग कर रहा हूँ, सॉरी मेरा प्रोनाउंस गलत है इस बॉलर पे, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और ये काफी शानदार बॉल तो की है लेकिन इस पे शॉट के लिए कोशिश तो की मामूल हक ने, लेकिन शॉट नहीं मार पाए, सिंगल रन सिर्फ। अब मैं गूगली कोशिश कर रहा हूँ कि गूगली हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या होती है या नहीं। और ये सिंगल चीकी सिग्नल ले लिया है इमामुल हक और कामरान अकमल ने। अगर आपको मेरी वीडियोस का मज़ा आता है देखने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हिट लाइक कर दें अगर आपको मज़ा आता है मेरी वीडियोस देखने में, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं और कौन सी गेम्स खेलूं। बस अब PSL के बाद PSL के दो मैचेस आ गए हैं, फिर उसके बाद पबजी की वीडियो भी आएगी, फिर और जोन से टूर हैं उसकी भी वीडियोस बनाऊंगा, तो काफ़ी वीडियोस आने वाली है अभी। थोड़े से बीच में मैंने वीडियोस बनाना कम कर दिया था क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, पेपर होते हैं, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं जा रहा हूँ ऑटो प्ले के लिए, ऑटो प्ले करते हैं जल्दी से फुल इनिंग्स, और मैं मिलता हूँ आपको। और मैंने सिमुलेट तो कर लिया, और पेशावर यंगस्टर्स ने 157 रन का टारगेट दिया। कामरान अकमल ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, 15 रन ऑन 38 बॉल्स। इमामुल हक को खेल नहीं पाए 10 बॉलों में 8 रन, कोरे एंडरसन ने बोल्ड कर दिया, सोहेब मकसूद 23 बॉलों में 32, काफ़ी अच्छी बैटिंग। और उमर अमीन को भी कोरे एंडरसन ने ही आउट किया, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कोरे एंडरसन की जानब से, 29 बॉलों में 22। और कैरन प्लॉट और डेरन सैमी खेल रहे थे, और कैरन प्लॉट 13 पे 12 और डेरन सैमी 8 पर 15। चलें अब हम जाते हैं अपनी बैटिंग की तरफ, और ओपनर आएंगे फखर जमान एंड एंटोन डिविच। अब बस हमें शॉट्स के लिए हमें भी जाना है, लेकिन अभी तो पहली पहली बॉल्स हैं, इतना नहीं मैं जाऊंगा।
काफी शानदार बॉलिंग हसन अली की जानिब से। नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं शॉर्ट्स के लिए जाएंगे। और काफी शानदार बॉलिंग हसन अली। और ये एक और शानदार बॉल हसन अली की जानिब से। और ये काफी शानदार फील्डिंग पिशावर जलमी की जानिब से। पिशावर जलमी वाले कर तो अच्छी फील्डिंग रहे हैं, देखते हैं क्या वो ये फील्डिंग जारी रख के जीत सकते हैं मैच को, या लाहौर कलंदर वाले मैच ले जाते हैं और पेशावर जलमी निकल जाती है इस टूर्नामेंट से बाहर। सब कुछ देखें हमारे चैनल गेमिंग विद अली पे। ओह काफी शानदार बॉलिंग हसन अली की जानिब से। एक रन आया ओवर में। और ये तो थे शॉट के लिए, लेकिन कुछ खास करना पे अब मुझे लगता है थोड़ी वॉच शॉट्स की हमें ट्राई करनी चाहिए। और ये काफी शानदार बॉल वहाब रियाज, स्विंग हुई अंदर की तरफ और फखर जमान बॉल हो गए। एक रन सात बॉले। और अब आ रहे हैं जी मोहम्मद हफीज द प्रोफेसर, जिनसे आज भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि आज भी वो अच्छा खेलेंगे और पेशावर जलमी के छक्के छुड़ा देंगे और जितवा देंगे लाहौर कलंदर्स को, देखते हैं क्या। और ये पहली बॉल पे मोहम्मद हफीज ने काफी शानदार से शॉट मार के चौका लगा दिया है। अगली बॉल लेग साइड पे पूरी स्पेस है, सारी बिल्डिंग खुली हुई है, तो अब देखते हैं क्या हम एक और शॉट मार पाते हैं। और काफी शानदार बॉलिंग वहाब रियाज की जानिब से। वहाब रियाज काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। और ये एक और शॉट मोहम्मद हफीज, काफी शानदार चौका। हालांकि मुझे पता है कि थोड़ा बहुत हम स्लो खेल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं अभी हम ऑटो प्ले करेंगे। अब बारी है कि एक बड़ी शॉट मारने की, देखते हैं क्या लग पड़ती है या नहीं। और नो बॉल साइड पे हो गया। और अब एक आखिरी ओवर, उसमें ही हमें जीतना है ये मैच। क्या हम ये मैच जीत पाएंगे पता नहीं, क्या हम ये मैच जीत पाएंगे पता नहीं। और ये बहुत शानदार छक्का एंटन डेविच। मैं चाह रहा हूँ जैसा इस गेम में हो वैसा ही रियल में भी हो, ताकि लाहौर कलंदर से एक बार चैंपियन बन जाए। और इस बार कोई नई टीम चैंपियन बने, पेशावर अगर फिर से बन गई तो मजा फिर से खराब, सारा मजा खराब हो जाएगा। और इस बार मजे की बात तो ये है कि ना इस बार इस्लामाबाद है ना क्वेटा है बीच में, तो कोई नई टीम बननी चाहिए चैंपियन। मैं तो चाह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर बेशक ना जीते, लेकिन कोई नई टीम चैंपियन बने। पेशावर जलमी अगर आज निकल जाए ना मजा आ जाए। और काफी शानदार मजा आ जाएगा, पेशावर जलमी निकल जाएगी, फिर कोई नई टीम चैंपियन बनेगी, जैसे कराची हो गई, मुल्तान सुल्तान, और एक टीम लाहौर कलंदर वो भी बन सकती है। बस
क्या करना है कि आज का मैच हमें पिशावर जलमी को नहीं जीतने देना, आज का मैच हमें पिशावर जलमी को नहीं जीतने देना। मैं इस बारे में भूल ही गया कि हम गेम भी खेल रहे हैं, तो काफी शानदार खेल रहे तो हैं। एंटोन डिविश ने काफी शानदार बैटिंग की है, 6 बॉलों में 18 रन। बस ये आखिरी बॉल है, ओ नो डॉट बॉल, हसन अली। अब करते हैं जी हम ऑटो प्ले, और मैं मिलता हूँ आपको ऑटो प्ले के बाद। और गाइस हम जीत चुके हैं ये मैच, काफी शानदार तरीके से हमने ये मैच जीत लिया है। लाहौर कलंदर ने एंटोन डिविच 69 runs in just 48 balls, हारिस सोहेल 35 runs in 19 balls, एबी डिविलियर 18 runs in 12 balls, सोहेल अख्तर 13 बॉलों में 16 रन। और अब बारी है आपसे अलविदा अल्लाह हाफिज करने की, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।